नमस्कार, स्वागत है आपका मेजबान जायके के सफर में। चलिए आज हम बनाते हैं चटपटी मजेदार इमली की सौंठ। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इमली की सौंठ बनाने के लिए चाहिए हमें, ये हमने इमली ली थी 200 ग्राम, इसको हमने पानी में भिगो दिया था रात को और ये सॉफ्ट हो गई है। ये चाहिए हमें एक पैकेट, एक गुड़ चाहिए थोड़ा सा, इतना जितना आप मीठा रखना चाहें, एक कप चीनी शुगर चाहिए, सॉल्ट, भुना जीरा, लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग और पुदीना का सूखा पत्ता अगर हो तो। अब हम इसको ऐसे इसको मसल के इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। इसका ये सारा निकाल के अब इसमें हम एक कीप लेते हैं, इसमें हम इसको ऐसे मसल के सारा निकाल के पल्प इसको छान लेंगे। अब हमने ये इसका पल्प निकाल लिया छान के, इसके ये बीज में थोड़ा सा पानी डाल के भी निकाल सकते हैं। फिर ये निकाल लिया हमने, अब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे गैस पे। अभी हमने पकाने रख दिया था, अब ये बॉईल हो गया, अब ये इतना थिक हो गया बॉईल होके। अब इसमें हम डाल देंगे शुगर, 1 कप शुगर डालेंगे, क्योंकि ये खट्टा होता है ना, तो इसमें थोड़ी सी चीनी ज़्यादा, चीनी और गुड़ भी थोड़ा सा डाल देंगे। गुड़ मीठी तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये गुड़ और चीनी डाल दिया हमने, अब इसके साथ ही हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट डाल देंगे। फिर बाकी जो मसाले थे वो सारे डाल देंगे इसमें। फिर अब इसको हम फिर से बॉईल कर लेंगे, इसको हम बॉईल करेंगे और देख लेंगे कितनी थिक चाहिए हमें। अभी बॉईल के हमने 5 मिनट बॉईल करा, इसकी थिकनेस ऐसे रखनी है, इतनी इसको थिक कर लेते हैं, ऐसा थिक हो गया। सब इसको ठंडा कर लेंगे और इसको हम काफ़ी दिन तक चला सकते हैं, इसको बॉटल में भर के रख लेंगे और ये काफ़ी दिन तक चलता आएगा, क्योंकि ये पका हुआ होता है ना, तो इसको आप फ्रिज में रख दो, काफ़ी दिन तक चलता आएगा। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये तैयार है सौंठ, इसको गोलगप्पे के संग खाइए, टिकिया के संग खाइए, भेलपूड़ी के संग खाइए और हर किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं। सौंठ तो ये घर में होती है तो कुछ भी बना सकते हैं। और हमारी ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।